एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक टू माय चैनल. और आज है सैटरडे. सो आज है सैटरडे और पीछे बैकग्राउंड में चल रही है डर. वो वाली मूवी है जो बहुत अच्छी है, जिसमें शाहरुख खान है, सनी देओल है और जूही चावला है. वो जादू तेरी नज़र, खुशबू तेरा बदन, ये वाली पिक्चर. सो वो चल रही थी, मैं उसे देख रही थी, उसकी एंडिंग ही चल रही है. और मेरा जो फ़ोन था वो पूरा डिस्चार्ज हो गया था. बारिश हो रही है, फूफू. सो बारिश हो रही है, एकदम हल्की हल्की बारिश हो रही है. थैंक यू सो मच, आप में से किसी ने तो बारिश भेज दी है. तो बारिश हो रही है, जस्ट मेरा काम निपटा है और अब मैं बनाऊँगी लंच और कुछ वीडियोज़ मैं अभी रिकॉर्ड करूँगी. अभी बज रहा है एक. घर में लाल चींटियाँ इस तरह से हो गई हैं ना, मतलब मुझे ना पूरे हाथ पैर में चार पांच चींटियों ने काट लिया. परसों नरसों में शावर ले रही थी, मेरी आँख के अंदर चींटी घुस गई और उसे मेरी आँख के अंदर काट लिया. मेरी पूरी आँख करीबन आधे घंटे तक सूजी हुई थी, उसके बाद फिर स्वेलिंग कम हुई है. फिर लाल चींटियों ने हद करके रखी है. मैंने बहुत सारी चीज़ें डाल दी, उसके बाद भी कहीं पर भी आ जाती. अगर एक हल्का सा कुछ खाने का सामान गिर गया ना नीचे तो वो आ जाएंगी. तो जस्ट मेरा सारा काम हो गया है और अब मैं बना रही हूँ सूजी का उपमा और साथ में मैं चढ़ा रही हूँ लंच. और साथ में मैं कुकिंग जोन की वीडियो भी शूट कर रही हूँ, देखती हूँ उसमें से भी कुछ बन जाए तो वो भी एज लंच में काम आ जाए. पर लंच में वैसी चीज़ें काम नहीं आती है. तो चलिए बनाते हैं खाना. रही हूँ उपमा और मैंने जो पनीर है वो भी रिकॉर्ड कर लिया है और वो अभी सेटल हो रहा है. तब तक मैं उपमा खाऊंगी. और यह है सूजी का उपमा. इसमें है चने की दाल, हरी मिर्ची, प्याज, राई और ऑयल. सो जल्दी से मैं सिर्फ करती हूँ और फिर खाती हूँ. सो ये मेरा सूजी का उपमा बस होने वाला है. मैंने पानी डाल दिया है और बस अब सूजी बॉयल होगी और उसके बाद मैं इसे थोड़ा सा चलाऊंगी और सूजी का जो उपमा है वो डन हो जाएगा. मैंने अभी कुकर में चने की दाल भी भिगो दी है और मैं इससे बनाऊंगी आज दाल, मतलब चने की दाल बनाने वाली हूं और ये लंच के लिए तैयार कर रही हूं मैं. सो अब मैं खाने वाली हूं ये उपमा. आई एम सो हंग्री, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है. और किस किस को भूख लगी उपमा देख के, वो जल्दी से उपमा बना ले. रेसिपी मैंने अभी तक कोई शेयर नहीं करी उपमा से रिलेटेड, बट जल्दी करूँगी. तो एक बाइट आप लोग किस लिए और एक बाइट में खा लेती हूँ. सो गाइस, मैं बहुत देर बाद आई हूँ. हम लोगों ने लंच कर लिया था, फिर मेरे हस्बैंड चले गए, फिर मैंने पनीर की जो वीडियो है, एक रेसिपी, वो रिकॉर्ड करी, मतलब रिकॉर्ड तो आपके सामने करी थी, उसे एडिट किया और फिर मैंने उसे अपलोड किया, फिर मैंने उसकी वॉइस ओवर किया, फिर मतलब अपलोड किया, फिर उसकी थंबनेल वगैरह सब किया. और अभी मेरे हस्बैंड आ रहे हैं. हम लोग का सडन प्लान बना है, हम सुबह जा रहे हैं पचमढ़ी. और एकदम सडनली हम लोग का प्लान बना है क्योंकि मेरे हस्बैंड है, उन्हें लगा कि मैं थोड़ी सी डिप्रेस्ड होने लग रही थी क्योंकि मैं कल एकदम से, आपको जैसे मैंने आज व्लॉग में देखा होगा, एकदम से मेरा जो प्लान वो हुआ, उन्हें लग रहा है कि मुझे एक चेंज की ज़रूरत है. और हमें लिटरली चेंज की ज़रूरत है क्योंकि सेम चीज़ें और सेम रूटीन फॉलो करके हर इंसान का दिमाग एक टाइम पर चोक हो जाता है और वो दिमाग चोक हो चुका है. फ़िलहाल भी चाय एक बार बॉयल हो रही है, मैं उसे सिम पे कर देती हूँ. हाँ, तो सबका दिमाग एक टाइम पे चोक हो जाता है, तो उन्हें लगा मेरा दिमाग भी चोक हो गया और उनका दिमाग भी चोक हो गया. तो हम लोग जा रहे हैं पचमढ़ी. सुबह हम लोगों की 5:30 बजे यहाँ से ट्रेन है. तो हम लोग बाइक कार नहीं जाएंगे क्योंकि मेरे हस्बैंड को मोशन सिकनेस है, उन्हें वॉमिटिंग शुरू हो जाती है. तो इसलिए हम बाई ट्रेन जाएंगे. यहाँ से 2 घंटे का रास्ता है बस, और उसके बाद फिर जो बाई रूट रास्ता है वो आई थिंक 20 मिनट्स का है, पिपरिया से पचमढ़ी का. और बोजो के लिए हॉस्टल की बात करी थी, तो जो हॉस्टल है जहाँ पे हम बोजो को छोड़ते हैं, उसका जो नीचे का पोर्शन है वो बंद हो गया क्योंकि वहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है. ऊपर वाले पोर्शन में उनने बोला है कि हम पग को नहीं रखेंगे क्योंकि वहाँ पे एसी या कुछ भी ठंडा नहीं है और ये लोग बहुत हाँफते हैं, तो उन्होंने मना कर दिया है. तो बोजो को हम रखेंगे नीचे. और मेरे हस्बैंड के ऑफिस वाला ही लड़का है जो हमारी फैमिली की तरह है क्योंकि हम लोग फैमिली की तरह मानते हैं. तो वो नीचे आके रहेगा बोजो के साथ, तो बोजो के साथ सोएगा, वो बोजो को खाना खिलाएगा,
वो बोजो को घुमाएगा पर बाहर नहीं घुमाएगा क्योंकि बाहर बारिश होती है और कीड़े होते हैं, तो हम लोग थोड़ा ध्यान रखना चाहते हैं। तो बोजो को वो टेरेस पे घुमाएगा, वो नीचे नहीं घुमाएगा, मतलब कि बाहर नहीं घुमाएगा। और कहाँ बोजो को बांधना है और जब वो एसी वाले रूम में कितनी देर तक एसी चलाना है बोजो के साथ सोने के लिए, क्योंकि बोजो को दिक्कत होती है उसको, मतलब ज़्यादा एसी में वॉमिटिंग भी हो जाती है और गर्मी में भी नहीं रह सकता वो। तो उसे सब कुछ बताना है कि बोजो को जब सुलाना है तो कहाँ सुलाना है। तो वो बोजो अकेले नहीं सोता है, बोजो उसी के साथ सोएगा। तो वो आ रहा है तो मैं चाय चढ़ा दिए और बस अब मुझे पैकिंग करनी है। मेरी सारी जीन्स से गंदी पड़ी है तो मुझे जल्दी से उसे ड्रायर में डाल के सुखाना पड़ेगा। वो तो अच्छा है, मेरे हस्बैंड के कपड़े प्रेस रखे हुए हैं, मुझे प्रेस तक करनी नहीं आती है। तो अभी हमें जल्दी जल्दी से पैकिंग करनी पड़ेगी क्योंकि अभी बज गए हैं 6 और सुबह 5:30 बजे की ट्रेन है और कोई पैकिंग नहीं हुई है। और हम लोग ट्यूसडे को आ भी जाएंगे, संडे को जाएंगे, ट्यूसडे को सुबह या रात में, आई डोंट नो, वो टिकट का नहीं पता है। तो हम आ भी जाएंगे और थोड़ा चेंज भी हो जाएगा और हमें थोड़ा एक अलोन टाइम भी मिल जाएगा क्योंकि हम लोग पूरे दिन नहीं रह पाते हैं साथ में और घूम भी नहीं पाए हैं और थोड़ा मौसम भी चेंज हो जाएगा। तो गाइस मैं देखती हूँ जल्दी से, उसके बाद आप लोगों से को अपडेट करती हूँ। और जो पैकिंग कर रही हूँ वो भी जल्दी जल्दी से देखती हूँ कि मुझे क्या निकालना है क्या नहीं निकालना। कुछ ख़रीदने का तो टाइम मिला नहीं है क्योंकि सडन प्लान है, तो जो है वही लेके जाना पड़ेगा। सो आई एम सो एक्साइटेड, बट उसके साथ मुझे पता है बोझो कुछ होना बहुत अजीब टाइप का लगता है। मतलब अब देखना, कल जब मैं जाऊँगी तो मुझे रोना आएगा और देखिए मुझे रोना अभी से आ रहा है। मतलब बोझो को मैंने ना आई थिंक 2015 में 2-3 दिन के लिए छोड़ा था, वो भी जब मैं किसी की शादी में गई थी, वरना बोझो को हमेशा साथ में ले जाना पसंद करती हूँ। और मुझे पता नहीं कि मैं कैसे जाऊँगी। तो मतलब मेरे साथ ही होता है कि मैं कहीं घूमने ज़रूर जाती हूँ पर मेरा जो दिमाग है ना वो बोझो के साइड लगा रहता है और मुझे इतनी टेंशन होती है बोझो की कि ये खाना खा रहा है या ये बाहर कैसे घूमेगा और वो लोग क्या हैं। मतलब मेरे को ही डर लगता है कि कोई झिंगुर विंगुर भी ये गलती से ना खा ले, तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है बस। तो मेरा सबसे बड़ा कंसर्न कहीं ना जाने का है बोझो, क्योंकि मुझे बोझो को छोड़ना, और बोझो को मैं सिर्फ राजा के साथ छोड़ सकती हूँ या अपनी मम्मी के पास, वरना मैं किसी के पास नहीं छोड़ सकती बोझो को। सो इससे पहले कि मेरा इमोशनल ब्रेकडाउन हो जाए मैं अभी जा रही हूँ जल्द से चाय वो करती हूँ। सो एक और चढ़ाना है, बोलो चलो संभाल ले आदमी, चलो लड़का बहुत चटा रहे हो, बोलो चलो आ जाओ, बोलो चढ़ाओ 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 चढ़ा के दिखाओ बोझो को एक बार। अरे वो पता है वो समझ रहा है खेलने के लिए तेरी समझ गया काम है। नहीं 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 वो जब चढ़ेगा तो वो बताएगा चढ़ना है उसे। अरे सुन तो नीचे यहाँ पे कैसे माना करेगा जो उसकी वो है ना वैसे ही उठा के आराम से ये समझ गया ना, जो ज्यादा ठंडा कर ठीक है, उसके बाद अपना ज्यादा ठंडा बंद कर दिया। अरे वगैरह कुछ रखी होगी ना, बताना नहीं 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 बोलते बोलते नहीं बता। अरे अरे कहाँ जा रही हो तुम, तुम कहाँ जा रही हो, तुम कहाँ जाओगी, कल मैं जा रही हूँ तुम्हें छोड़ के, कल मैं तुम्हें छोड़ के जा रही हूँ, तुम नोनी को तो छोड़ के जा ले। ठीक है इसका पानी देखो ध्यान रखना पड़ेगा कि पानी है ही नहीं इसके वास्तव में, ठीक है उसका क्या बोले कि दरवाजा खोल के जा रही हूँ पानी, उसको बता देंगे यहाँ रखा रहेगा। अभी देखा ये दिन में पानी वानी गिरा दिया इसने, दो दिन नहीं रहा तो पानी मच जाएगी, दो दिन वो खाता रहेगा उसमें डालने के लिए ताले हाथ से गलानी पड़ेगी ऐसे 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 लेके नहीं वैसे नीचे रख दोगे तो वो खा लेगा नीचे ताले खाना बोलो करना नीचे रख दो नहीं खाएगा तो। ओ यार उसकी आंखें बहुत डरावनी आ रही है,
चलो यहाँ हो गया, चलो चाबी कहाँ रखी है? चलो 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 बस बोल दो तो जाना है यहाँ से। ये स्कूटी की चाबी कहाँ से है? अच्छा आपने बच्चों से की मैंने बैग उठा लो। फाइनली सब कुछ समझा दिया है कि बोजो किस तरह से रखना है, बोजो कैसे खाना खाता है, बोजो कब खाना खाएगा, बोजो के लिए कितना एसी चलाना है, बोजो कैसे बेड पे सुलाना है, बोजो को कैसे छोड़ के जाना है जब वो जाएगा, और बोजो को क्या मतलब बोजो रात में क्या खाएगा, सब कुछ समझा दिया है। और हाँ, तो बोजो रहेगा नीचे, बस हो गया है ये सब कुछ। और अब हम लोग टिकट बुक कर रहे हैं अपनी, और पैकिंग, और मेरी पूरे कपड़े पड़े हुए हैं धोने के लिए, मैं कपड़े धो रही हूँ, मैंने चाय बना के रखी है। सो वो तो चले गए हैं, मेरे हस्बैंड पिएंगे क्योंकि उन्हें ग्वारीघाट जाना था। तो बस ये, बट आई एम नॉट वो नहीं। हाय राजा, चाय 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 राजा। फिर से पूरा बना बनाया प्लान, टिकट बुक हो गई थी, सामान पैक हो गया था। पचमढ़ी के लिए हमारे साथ पता है 4 से 5 बार हो गया, हम लोग 5 साल पहले गए थे पचमढ़ी, और उसके बाद से जो ग्रहण लगा है ना पचमढ़ी के लिए, वो लगा हुआ है आई थिंक किसी भी जगह के लिए फ़िलहाल तो लगा हुआ है। जो इनका लड़का आने वाला था उसे सडन उसका फ़ोन आया अभी कि भैया मैं नहीं आ पाऊँगा क्योंकि मैं 2-3 दिन के लिए जा रहा हूँ उसके कुछ गाँव वाँव में, कुछ क्या है गाँव में क्या हुआ उसका, कोई एक्सपायर वगैरह हो गया। अच्छा हाँ, तो कुछ हो गया उनके यहाँ पे, तो इसलिए वो नहीं गया, कोई एक्सपायर हो गया। अच्छा, कोई एक्सपायर हो गया है उनके यहाँ पे, तो वो नहीं आएगा। और अब बोजो को छोड़ नहीं सकते, और बहुत से लोग बोले थे हॉस्टल में छोड़ दो, तो मैंने बताया हॉस्टल में क्या सिचुएशन है। हॉस्टल में सेंट बर्नार्ड आ गया है, बोजो का रूम जो रहता है उसमें आ गया है, और एक जो नीचे छोड़ते थे वहाँ पे क्या हुआ, कल से आ रहा हूँ 25 तारीख से। और नहीं नहीं, और एक और जहाँ पे छोड़ते हैं बोजो को, कंस्ट्रक्शन चल रहा है वहाँ पे, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है। एक सिंगल रूम बोजो के लिए हम लेते हैं, तो वहाँ पे सेंट बर्नार्ड आ गया है 2-3 दिन के लिए, ऊपर वाले एरिया में बोजो के लिए 25 से 30 पहले बुक कर दिया तुमने। हाँ, तो काफी बड़ा रूम है, तो वो उसमें बोजो रहता है, तो ही दिक्कत हो रही है। और आप देखते कि क्या होता है, मतलब क्या होता है, कैंसिल कर दिया टिकट, मेला मुला कुछ नहीं, बस हम लोग का ये होता है टिकट करो, टिकट कैंसिल करो, इनके कपड़े निकाले, और ये महान 2 दिन के लिए 5 रुपए का झटका लग गया। हाँ, वो पूरा कट उड़ गया। एक तो कैंसिल भी नहीं हुई क्योंकि ट्रेन 5:30 बजे की थी, तो उसमें TDR किया यार, चार्ट तो अभी नहीं बना होगा उसके बाद, क्यों उसके बाद भी वो कैंसिल नहीं हो रही थी, और आने वाली तो हमने कर ली थी तो वो भी कैंसिल करनी पड़ी। तो बोजो को फिर छोड़ के जाने का फिर बनता ही नहीं है, कोई है ही नहीं, वो समझाया और फिर उसका कॉल आ गया, हम पैकिंग कर रहे थे, बस हो गई। मैंने पूरा दूसरा हॉस्टल ला रहा, देखा तुमने वो कहाँ छोड़ते, फार्म हाउस है उसका कोई जो दूसरा हॉस्टल है, इतना दूर बोजो को छोड़ना, और वहाँ पे इतने सारे कुत्ते, वो लोग बाहर छोड़ के रखते कुत्तों को, मतलब वो लोग बिल्कुल भी अच्छे बाहर छोड़ के रखते हैं, वो जो हॉस्टल वाले हैं, जो दूसरा हॉस्टल है यहाँ पे, और वो रखते हैं बेड़ाघाट साइड, मतलब यहाँ से 20-25 किलोमीटर दूर, तो वहाँ तो नहीं छोड़ सकते हैं बोजो को। अब मैं बोजो का कुछ ऐसा ही करूँगी कि घर ही में छोड़ूँ और किसी को रख के जाऊँ, सबसे बेस्ट वही है। हाँ, कोई और को पकड़ लेते लड़कों को, कोई और अभी एकदम सडन मिलता भी नहीं ना। और ये भी तो महान है, इनने मुझसे पता है क्या बोला, 7 बजे बोला कि चलो घूमने चलते हैं, और टिकट विकेट बुक करी और बोले पैकिंग कर लो। मेरे कपड़े धुले हुए नहीं थे, मैंने जीन्स वगैरह धो के रखी, सब किया ड्राई में डाल के, मेरे को लगा सुबह पैक करूँगी, और इनने अपने कपड़े निकाले, और ये 2 दिन के लिए 15 टी शर्ट उठा के लेके जा रहे थे, इनने नई खरीद के रखी हुई हैं, वो टी शर्टें पहनी नहीं है। इनने बोला कि मुझे अभी कुछ समझ में नहीं आएगा, तुम सारी रख लो, और सारी पैक करा दी इनने, और बोला सारी रख लो, मैं तभी तभी सोच के बताऊँगा कि मुझे कौन सी पहननी है। मैं ये वाली बात है। सो अब हम लोग जा रहे हैं पेट्रोल पंप, उसके बाद मैं आपसे बात करती हूँ। सो गाइस, मैं बोजो को लेके आ गई हूँ। हाय बोनी, तले छोलू, ये 4 से 5 झिंगुर को मार के आया है पैर से, पच पच करके, मैंने इसे अलग किया पर ये मानता नहीं है, मार मार के आ रहा था। इसे घर में या बरांडे में झिंगुर बिल्कुल पसंद नहीं है, और ये उन्हें मार रहा था, मार के आए, बड़े बदतमीज हो तुम, ये मारता है पर खाता नहीं, इतना समझदार है, है ना? खुश तो बहुत हो गए आज, तो खुश तो बहुत हो गए तुम, क्योंकि हम लोग नहीं जा रहे हैं। बोजो आज काफ़ी खुश है ना,
मस्ती कर ली, इन्हें सब कर लिया और अब ये थोड़ा घूम के आएंगे। तो जाना है आपको, जाना है तुम्हें? नहीं जाना, चलो बाय। हाँ सो गाइस मैं इस ब्लॉग को करूँगी एंड और मैं जा रही हूँ नशबलिए देखने। और मुझे आज के ब्लॉगिंग करते टाइम ऐसा लगता है कि मैं काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो गई हूँ, पतली नहीं कमज़ोर टाइप की लगती हूँ मैं अपने आप को। किस किस को ऐसा लगता है कि मैं थोड़ी कमज़ोर टाइप की लग रही हूँ, मतलब वीक वीक टाइप की वैसी वाली? तो मेरे को, मैं बहुत ज़्यादा वीक लगती हूँ आजकल जब मैं अपने आप को ऐसे देखती हूँ, या फिर आँखों में काजल नहीं है इसलिए। फाइनली अब मैं इस ब्लॉग को एंड करूँगी और हमें कोई भी अफसोस नहीं है कि हम लोग नहीं जा पाए, क्योंकि ठीक है वो था नहीं तो वो दिक्कत हो जाती। उस लड़के को अर्जेंट जाना पड़ा क्योंकि उसके घर में इशू हो गए हैं और वो ज़रूरी था। पता नहीं मुहूर्त निकलवाना पड़ेगा किसी पंडित जी को बिठा के, मुझे ऐसा लग रहा है फाइनली, क्योंकि सब कुछ होने के बाद, पैकिंग होने के बाद, रिजर्वेशन होने के बाद, कपड़े धो दिए मैंने रात को, उसके बाद ऐसा हुआ। पर चलिए ठीक है, कुछ नहीं होता। अब मैं आपसे मिलती हूँ कल विद अ न्यू ब्लॉग और Q&A वीडियो। और पनीर की रेसिपी आ गई होगी कुकिंग जोन पे, तो जाके ज़रूर चेक कर लीजिए। और ताज़ा पनीर बनाइए, उससे मटर पनीर, शाही पनीर, चिली पनीर, जितने भी पनीर बनते होंगे लाइफ में, और नवरत्न कोरमा, जो भी बनाना है ना वो बनाइए जाके, और पनीर बनाइए। मैं कितनी कमज़ोर हो गई हूँ। सो गाइस मिलती हूँ कल, तब तक के